डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2006 में रिलीज हुई शाहरुख खान स्टारर फिल्म डॉन के बारे में। इसे डायरेक्ट किया था मल्टी टैलेंटेड फरहान अख्तर ने। इसकी लीड कास्ट थी शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और ईशा कोप्पिकर। और इस फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट थी अर्जुन रामपाल, बोमन ईरानी, ओम पुरी, पवन मल्होत्रा, राजेश खट्टर, तनय छेड़ा और चंकी पांडे। वहीं करीना कपूर ने फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस दिया था। शाहरुख खान स्टारर डॉन अमिताभ बच्चन की 1978 में आई डॉन की ऑफिशियल रीमेक थी। बस इसका क्लाइमेक्स चेंज था। अमिताभ बच्चन स्टारर डॉन के राइटर थे सलीम जावेद और शाहरुख खान स्टारर डॉन के राइटर थे सलीम जावेद और फरहान अख्तर। डॉन में शाहरुख खान विलन के कैरेक्टर में नजर आए थे और शाहरुख खान एज अ विलन काफी समय बाद पर्दे पर नजर आए थे। इससे पहले उन्होंने कई फिल्मों में विलन का कैरेक्टर प्ले किया था। उनकी स्टार्टिंग हुई थी बाजीगर से और उनकी आखिरी एज अ विलन फिल्म थी राम जाने डॉन से पहले। इसके 11 साल बाद शाहरुख खान विलन के कैरेक्टर में नजर आए। This is a good shot. फिल्म में शाहरुख खान और बोमन ईरानी के बीच में एक फाइट सीक्वेंस है जिसे शाहरुख खान ने कोरियोग्राफ किया था। दरअसल स्टंट डायरेक्टर जैसा चाह रहे थे वो सीन वैसा हो नहीं पा रहा था और बोमन ईरानी की उसी दिन फ्लाइट थी। वो गोवा किसी और फिल्म के शूट के लिए जा रहे थे और बोमन ईरानी को देरी हो रही थी। तब शाहरुख खान ने कुछ अलग ही सीक्वेंस कोरियोग्राफ किया और वो फाइट सीक्वेंस इजिली हो गया और बोमन ईरानी की फ्लाइट भी मिस नहीं हुई। फिल्म में जोशी नाम का कैरेक्टर लैपटॉप पर एक पासवर्ड एंटर करता है। दरअसल वो पासवर्ड फरहान अख्तर का बर्थ डेट है। वो पासवर्ड था F09AK74 जिसका मतलब है 9th Jan 1974। डॉन शाहरुख खान और अर्जुन रामपाल की एक साथ पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में एक साथ की जैसे कि ओम शांति ओम और रावण। अर्जुन रामपाल ने फिल्म में जसजीत का कैरेक्टर प्ले किया था। ये कैरेक्टर अर्जुन रामपाल से पहले अक्षय कुमार को ऑफर हुआ था लेकिन उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। दरअसल अक्षय कुमार उस वक्त किसी और फिल्म में बिजी थे। डॉन फिल्म में एक डिस्क के लिए लड़ाई होती है। दरअसल वो डिस्क प्लेस्टेशन पोर्टेबल UMD था। डॉन के कैरेक्टर को शाहरुख खान ने इतनी अच्छे से जिया कि उनके बिना हम उस कैरेक्टर में किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकते। लेकिन इस कैरेक्टर के लिए फरहान अख्तर की पहली पसंद ऋतिक रोशन थे लेकिन बाद में फरहान अख्तर को लगा कि इस कैरेक्टर के लिए मैच्योर फेस की जरूरत है और उन्होंने फिर शाहरुख खान को इस कैरेक्टर में कास्ट किया। हालांकि डॉन 2 में ऋतिक रोशन ने गेस्ट अपीयरेंस जरूर दिया है। इस फिल्म के लिए शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन रामपाल को मार्शल आर्ट्स की स्पेशल ट्रेनिंग मिली थी और वो ट्रेनिंग शॉलिन टेंपल के एक्सपर्ट ने दी थी। शाहरुख खान ने इस फिल्म में डबल रोल प्ले किया था। खई के पान बनारस वाला सॉन्ग इस फिल्म में भी रिक्रिएट किया गया था और इसे कोरियोग्राफ किया था सरोज खान ने। वहीं 1978 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन स्टारर डॉन में खई के पान बनारस वाला सॉन्ग सरोज खान के मेंटोर PL राज ने कोरियोग्राफ किया था। वही फिल्म का दूसरा हिट सॉन्ग ये मेरा दिल इसे कोरियोग्राफ किया था फराह खान ने। डॉन की शूटिंग मुंबई और मलेशिया में हुई थी। शाहरुख खान ने फिल्म के लिए ना सिर्फ 6-pack एब्स बनाए बल्कि फिल्म में अपने स्टंट उन्होंने खुद ही किए थे। प्रियंका चोपड़ा ने भी ज्यादातर अपने स्टंट्स खुद ही किए हैं। फिल्म में एक सीन है जहां पर शाहरुख खान एम्यूजमेंट के लिए टॉम एंड जेरी कार्टून देखते हैं। सेम डॉन 2 में भी एक सीन है जहां पर शाहरुख खान टॉम एंड जेरी कार्टून देखते हैं। एक सीन शूट के दौरान शाहरुख खान ने अपनी वेडिंग रिंग खो दी थी
तब शाहरुख खान ने पूरी टीम को अपनी वेडिंग रिंग ढूंढने में लगा दी थी। शाहरुख खान ने कहा था कि अगर वेडिंग रिंग नहीं मिली तो मुझे फिर से शादी करनी पड़ेगी और वेडिंग रिंग भी खरीदनी पड़ेगी, और टीम ने जल्द ही शाहरुख खान की रिंग ढूंढ ली। शाहरुख खान स्टारर फिल्म डॉन, अक्षय कुमार, सलमान खान और प्रीति जिंटा स्टारर फिल्म जाने मन से क्लैश हुई थी। डॉन 2006 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। डॉन ने न्यू शॉटल इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एशियन फिल्म का अवार्ड जीता था। वहीं उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए डॉन को 9 नॉमिनेशन मिले थे। दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे। फिल्म रिलीज हुई थी 20 अक्टूबर 2006 में। फिल्म का मेकिंग बजट था 38 करोड़ और फिल्म ने 106 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब बात करते हैं फिल्म के क्रेडिट्स की। तो डायरेक्ट किया है फरहान अख्तर ने, स्क्रीन प्ले लिखा है जावेद अख्तर और फरहान अख्तर ने, सिनेमेटोग्राफर हैं KU मोहनन, एडिटर हैं आनंद सुबाया और नील सडवेलकर, म्यूजिक दिया है शंकर एहसान और लॉय ने। फिल्म के लिरिसिस्ट हैं जावेद अख्तर और फिल्म के गानों में अपनी आवाज दी है शान, सुनिधि चौहान, शंकर महादेवन, अलीशा चिनाए, महालक्ष्मी अय्यर, सोनू निगम, मिडिवल पंडित और उदित नारायण ने। फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.1। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई और कॉन्टेंट के साथ। बाय बाय।